जिसने अपने पति के अपमान पर दे दी अपने प्राणों की आहुति, एक शिव जो थे तो बैरागी लेकिन सती के वियोग में भूले देवत्व, आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान शिव और माता सती की वही अमर प्रेम कथा। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं, सभी पुत्रियां गुणवती थीं, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते बहुत अधिक दिन बीत गए। तब भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। कुछ समय बाद भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थीं। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी विस्मय की लहरों में डूब जाते। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दक्ष, सती आद्या का अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। यद्यपि भगवान शिव दक्ष के जामाता थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। एक बार ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र थे, भगवान शिव भी एक ओर बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन भगवान शिव को किसी के मान और किसी के अपमान से क्या मतलब। वे तो समदर्शी हैं, उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखाई पड़ता है। जहां अमृत होता है वहां कड़वाहट और कसैलेपन का क्या काम। भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम राम कहा करते थे। सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी। उसने अवसर पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया, आप राम राम क्यों कहते हैं? ये राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, सती, राम आदि पुरुष हैं, स्वयंभू हैं, मेरे आराध्य हैं। वो सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। किंतु सती के कंठ से बात नीचे नहीं उतरी। वे सोचने लगी, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडक वन में उन्मत्तों की भांति विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। वे सीता का रूप धारण करके दंडक वन जा पहुंची और राम के सामने प्रकट हुई। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देख कर कहा, माता, आप एकाकी यहाँ वन में कहाँ घूम रही हैं? बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? राम का प्रश्न सुनकर सती से कुछ उत्तर देते न बना, वे अदृश्य हो गईं और मन ही मन पश्चाताप करने लगी। मैंने व्यर्थ ही राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार हैं। सती जब लौट कर कैलाश गई तो भगवान शिव ने उन्हें आते देख कहा, सती,
तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्या है, अब तुम मेरी अर्धांगनी कैसे रह सकती हो? अतः इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में अब नहीं मिल सकते। शिव का कथन सुनकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? शिवजी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? शिवजी समाधिस्थ हो गए। सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। एक दिन सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने यज्ञ की रचना की है सती, देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती ने दूसरा प्रश्न किया, लेकिन क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? सती, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, प्रभु यज्ञ के अवसर पर अवश्य मेरी बहनें आएंगी, उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, मेरे विचार से इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा सती, आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें, बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। लेकिन वो मेरे पिता हैं और एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए कैसा आमंत्रण? आप देखिएगा, मैं जाऊंगी तो सभी बहुत प्रसन्न होंगे। सती, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। किंतु सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी कर दिया, उस गण का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु उनसे किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वो किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है, तुम्हारा पति शमशान वासी और भूतों का नायक है, वे तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, मैंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गईं, जहां सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे, तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाश पति का भाग नहीं है, आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता, वे तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है, ये देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गईं, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजो दीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझे धिक्कार है, देवताओं तुम्हें भी धिक्कार है, तुम भी उन कैलाश पति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो,
जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए, वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। भयानक संकट की स्थिति देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए, तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आ गए। जब वे अपने आप में आ गए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था भगवान शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया है, वंदनीय बना दिया है। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा बुरा दौर आता है जब हम परमात्मा के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं और फिर झल्ला कर कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना? लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और उस दूसरे पहलू को समझ लेने के बाद हम कहते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मालिक की कृपा थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, क्यों कोसता है खुद को। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संतजन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, आहा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया और दूसरे अब ये संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत तो किसी किसी की ही होती है। धन्य हो, धन्य हो।
घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर वो मुझे बाजार में बेचने के लिए ले गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करने थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो, मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी, उसका मुझे वो गूंथना भी उसी की कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उसी की मौज थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसी की ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर उस वक्त परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं, क्योंकि हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला को समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या मैं इतना बुरा हूं, और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दिए। लेकिन सच तो ये है कि मालिक ने उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो बहुत कुछ सिखाती हैं, और साथ ही अगर इन कहानियों पर अमल किया जाए तो ये कहानियां जीवन में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकती हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां अच्छी लगेंगी। आज की कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि जीवन में सकारात्मक रहने का सीधा और सरल मार्ग क्या है। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक व्यक्ति ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था कि अचानक एक कार पार्किंग से निकलकर रोड पर आ गई। ऑटो ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और कार ऑटो से टकराते टकराते बची। कार चला रहा आदमी गुस्से में ऑटो वाले को ही भला बुरा कहने लगा, जबकि गलती उसी की थी। ऑटो चालक एक सत्संगी यानी सकारात्मक विचार सुनने सुनाने वाला था। उसने कार वाले की बातों पर गुस्सा नहीं किया और क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ गया। ऑटो में पीछे बैठे व्यक्ति को कार वाले की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उसने ऑटो वाले से पूछा, तुमने उस कार वाले को बिना कुछ कहे ऐसे ही क्यों जाने दिया? उसने तुम्हें भला बुरा कहा, जबकि गलती तो उसी की थी। हमारी किस्मत अच्छी है, नहीं तो उसकी वजह से हम अभी अस्पताल में होते। ऑटो वाले ने बहुत मार्मिक जवाब दिया, साहब बहुत से लोग गार्बेज ट्रक
यानी कूड़े के ट्रक की तरह होते हैं। वे बहुत सारा कूड़ा अपने दिमाग में भरे हुए चलते हैं। जिन चीजों की जीवन में कोई जरूरत नहीं होती, उन चीजों को मेहनत करके जोड़ते रहते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा और न जाने क्या क्या। जब उनके दिमाग में ऐसा कूड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, तब वो अपना बोझ हल्का करने के लिए इसे दूसरों पर फेंकने का मौका ढूंढते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ और दूर से ही मुस्कुराकर अलविदा कह देता हूँ, क्योंकि अगर उन जैसे लोगों का फेंका हुआ कूड़ा मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं भी कूड़े का ट्रक बन जाऊंगा और अपने साथ साथ आसपास के लोगों पर भी वो कूड़ा गिराता रहूंगा। सोचता हूँ जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर भुला दो। हमें ये याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पताल में ही नहीं रहते, कुछ हमारे आसपास खुले में भी घूमते रहते हैं। प्रकृति के नियमों को आप भी जानते ही होंगे। यदि खेत में बीज न डाले जाएं, तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं, तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। दूसरा नियम ये है कि जिसके पास जो होता है वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। जो डरा हुआ है वो औरों को डराता है, जो दबा हुआ है औरों को दबाता है, लेकिन चमका हुआ चमकाता है। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर खुद को नकारात्मकता से दूर रखें और जीवन में सकारात्मकता अपनाएं। आज की कहानी को यहीं विराम देता हूं, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर ऑटो वाले की जगह आप होते तो आप उस कार वाले के साथ क्या करते? अपना जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। किसी पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। अचानक एक हंस उड़ता हुआ उस पेड़ पर आ बैठा। हंस स्वाभाविक रूप से बोला, उफ, कितनी गर्मी है, सूरज तो जैसे मानो आज कहर बरसाने के लिए निकला है। उल्लू बोला, सूरज? अरे कहाँ है सूरज? बात ठीक है कि इस समय गर्मी बहुत है, लेकिन ये गर्मी तो अंधेरा बढ़ने से हो जाती है। हंस ने उसे समझाने का प्रयास किया। अरे नहीं नहीं भैया, सूरज आसमान में रहता है, उसी की रोशनी संसार में फैलती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी बढ़ती है, सूरज की रोशनी ही गर्मी है। उल्लू हंसा, तुम सही आए, आज रोशनी नाम की नई चीज के बारे में पता चला। तुम चांद की बात करते तो वो मैं समझ सकता था। सुनो, तुम्हें किसी ने बहका दिया है, सूरज या रोशनी जैसी कोई चीज नहीं होती है। अरे नहीं नहीं उल्लू भाई, मुझे किसी ने नहीं बहकाया है, मैं तो सत्य कह रहा हूँ। मुझे तो लगता है आप ही किसी भ्रम में हैं। हंस ने उल्लू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। हंस जितना समझाए उल्लू की जिद उतनी ही बढ़ती जाए। अंत में उल्लू ने कहा, देखो भाई, इस समय मुझे उड़ने में बहुत तकलीफ होगी, फिर भी मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलूंगा। चलो, इस जंगल के भीतर घने पेड़ों के बीच एक भारी वट वृक्ष है, उस पर मेरे जैसे सैकड़ों बुद्धिमान उल्लू रहते हैं, चलकर उनसे ही निर्णय करा लो। हंस ने उल्लू की बात स्वीकार कर ली। वे दोनों अब उल्लुओं के समुदाय के बीच थे। उस उल्लू ने कहा, ये हंस कहता है कि आसमान में इस समय सूरज चमक रहा है, उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है और उसी रोशनी में गर्माहट होती है। ये सुनकर सारे उल्लू हंस पड़े
और उनका मुखिया चिल्ला कर बोला, लो कर लो बात, अब ये मूर्ख हंस भी हम जैसे विद्वान उल्लुओं को ज्ञान देंगे। सुना भाइयों, तो क्या तुम इस वाहियात बात का निर्णय कराने यहां आए हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, ना तो सूरज का कोई अस्तित्व है और ना ही रोशनी का। ये हंस तो खुद मूर्ख है ही और साथ ही हम सबको भी मूर्ख समझ रहा है क्या? अरे झूठा है, अरे काम तमाम कर दो, मार डालो इसे, खत्म कर दो इसे, अरे मारो इसे, मारो मारो। सारे उल्लू हंस को मारने के लिए झपटे, लेकिन हंस की किस्मत अच्छी थी कि उस समय दिन था। उल्लुओं को पेड़ों के अंधेरे से बाहर कुछ नहीं दिख सकता था। हंस को उड़कर अपनी जान बचाने में कठिनाई नहीं हुई। उसने उड़ते उड़ते अपने आप से कहा, बहुमत सच को झूठ तो नहीं बना सकता, लेकिन जिस जगह उल्लुओं का बहुमत हो वहां किसी समझदार को सत्य प्रमाणित करने में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, चाहे वो सत्य का साक्षात्कार ही क्यों ना कर चुका हो। मैं ही उल्लू था जो उस उल्लू की बात में आ गया। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं वो है तो हाथी और मक्खी की, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि ये कहानी तो हमारी ही है। ये कहानी है झूठे अभिमान की। ध्यान से सुनिएगा। एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता ही नहीं चला कि मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिनभिनाई, आवाज की और कहा, भाई तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना, वजन मालूम पड़े तो खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई न पड़ा। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरने लगा। बड़ी पहाड़ी नदी थी, भयंकर खाई थी। मक्खी ने यह देखकर कहा, देख भाई हम दो हैं, कहीं पुल टूट ना जाए, अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख हैं, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी, पर उसने कुछ ध्यान न दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। उसने कहा, देख दोस्त, यात्रा बड़ी सुखद हुई, साथी संगी रहे, मित्रता बनी, अब मैं जाती हूं, कोई काम हो तो मुझे कहना। तब मक्खी की आवाज थोड़ी सी हाथी को सुनाई पड़ी। उसने कहा, तू कौन है कुछ भी पता नहीं, तू कब आई, तू कब मेरे शरीर पर बैठी और तू कब उड़ गई, इसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। संत कहते हैं, हमारा होना भी ऐसा है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी और मक्खी के अनुपात से भी कहीं छोटा हमारा और ब्रह्मांड का अनुपात है। हमारे ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वो शोरगुल किस लिए है? वो मक्खी क्या चाहती थी? वो चाहती थी हाथी स्वीकार करे, तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है। वो चाहती थी कि उसे कोई पूछे। हमारा अहंकार अकेले तो नहीं जी सकता, दूसरे उसे माने तो ही जी सकता है। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने, ध्यान दें, हमारी तरफ देखें, उपेक्षा ना हो। इसीलिए संत कहते हैं, हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, स्नान करते हैं, सजते संवरते हैं ताकि दूसरे हमें सुंदर समझें, धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनवाते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे देखें और स्वीकार करें कि तुम कुछ विशिष्ट हो, ना कि साधारण। तुम मिट्टी से ही बने हो और फिर मिट्टी में ही मिल जाओगे। तुम अज्ञान के कारण खुद को खास दिखाना चाहते हो, वरना तो तुम बस एक मिट्टी के पुतले हो और कुछ नहीं। अहंकार सदा इस तलाश में है कि वे आंखें मिल जाएं जो मेरी छाया को वजन दे दें।
याद रखना, आत्मा के निकलते ही ये मिट्टी का पुतला फिर मिट्टी बन जाएगा। इसलिए अपना झूठा अहंकार छोड़ दो और सबका सम्मान करो, क्योंकि जीवों में परमात्मा का अंश आत्मा है।